बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को सेहत दे, आपके रिज़्क में बरकत दे परवरदिगार। अल्लाह ताला आपका दस्तरखान भरा रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं बनाने जा रही हूँ मंगोचियाँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती हैं, और मूंग की दाल और चने की दाल से ये बनेंगी। और दूसरी अहम बात, ये घर में चीज़ें जो मौजूद होती हैं उससे बनेंगी, जो हर वक्त किचन में मौजूद होती है चीज़ें, ठीक है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप फौरन देख सकें, ठीक है। हम बनाने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व आली सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। तो मैं पहले दाल को, और ये मैंने मूंग की धुली हुई दाल जो ली है वो मैंने आधा पाव ली है, 6 टेबल स्पून, और चने की दाल जो ली है वो आधी ली है, 3 टेबल स्पून, ठीक है, 60 ग्राम। तो हम इन दोनों को पीसेंगे पहले प्याज डालकर। इसमें प्याज डाल लूँगी, मैंने 2 टेबल स्पून प्याज ली है, तो मैं इसमें डालकर और इसको पीस लूँगी बगैर, मतलब ये है कि पानी डाले हुए, क्योंकि ये मैंने रात को भिगो दी थी और अब सुबह में मैं इसको पीसूँगी। तो ये इतनी नरम हो चुकी है कि अगर पानी डाले बगैर अगर आप पीस सकती हैं तो इसको पीसें, क्योंकि वो गाढ़ा गाढ़ा रहेगा, इसका लिक्विड जो है, लिक्विड नहीं कहना चाहिए, गाढ़ी गाढ़ी रहेगी, ताकि पानी ना डाले तो अच्छा है, ठीक है ना। अगर ऐसी पीस जाती है तो बहुत ही अच्छा है ये, और डालें अगर पानी तो बिल्कुल मामूली सा डालें, 1-2 टेबल स्पून, ठीक है। तो ये है कि अब हम बनाना शुरू करते हैं, मैं इसको पहले पीस लूँ। अच्छा जी, ये दाल पीस ली है मैंने प्याज डालकर, ठीक है। अब इसमें जाएगा पिसे हुए, इसमें जाएगा आधा टी स्पून से कम, मैंने पिसा हुआ गरम मसाला लिया है, आधा टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा है, आधा टी स्पून कच्चा कुटा हुआ ज़ीरा है, और आधा टी स्पून कुटी हुई मिर्ची है, आधा टी स्पून नमक है, और 4-5 पिंच मीठा सोडा है, और 1 टी स्पून हरी मिर्चें बारीक बारीक काट ली थी, और हरा धनिया। ये सब अब हम दाल में मिक्स करेंगे। अच्छा जी, अब हम दाल में डालेंगे आधा टी स्पून कुटी हुई मिर्च, आधा टी स्पून नमक, आधा टी स्पून कच्चा कुटा हुआ धनिया, आधा टी स्पून ये सफ़ेद ज़ीरा, और 1 टी स्पून हरी मिर्चें, आधा टी स्पून से कम मैंने गरम मसाला लिया है पिसा हुआ, और 4-5 पिंच मीठा सोडा, ठीक है। और ये मैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूँगी इसके अंदर, ठीक है। अब हम इसको मिलाकर मिक्स कर लेंगे सारा। और इसके फिर हम पकौड़े से बनाकर इसको तलेंगे, बाद में मैं इसका मसाला बताऊंगी जो इसका मसाला तैयार होगा। ठीक है, ये सब मैंने मिला लिया, अब मैं इसके पकौड़े तलती हूँ। जी, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसके ऐसे चपटे चपटे पकौड़े बनाकर डालेंगे ऐसे, बिस्मिल्लाह। और मीडियम चूल्हा रखिएगा ये ऐसे, ताकि अंदर से खूब गल जाए। अच्छा, जिन बच्चियों को डर लगता है ऐसे हाथ से तेल में पकौड़े डालने, तो ये इस तरह से मैं तरीका बताती हूँ, ये इस तरह से आपने डालने, इस तरह से आप डाल दें। दोनों तरीके मैंने बता दिए, ऐसे चपटे चपटे बना के डाल दें पकौड़े। सोडा डाला, उससे काफी कूल रहे। ऐसे बना बना के ना, बिल्कुल बारीक पीसनी है इसकी दाल, क्योंकि ये बारीक पीसेगी तो ये अच्छे बनते फिर। और
और आधा पाव दाल में काफ़ी बन जाती हैं मंगोचियाँ ना, बहुत अच्छी लगती हैं। बनती जा रही है, निकालती जाऊंगी मैं इसको। क्योंकि कुछ बाजार से नहीं खरीदना पड़ेगा, सब घर में जो ग्रॉसरी में हमारे आती हैं चीजें उसी से हम बनाएंगे। दालें घर में होती हैं, मसाले घर में होते हैं, हरा धनिया घर में होता है, हरी मिर्चें घर में होती हैं, तो हमें कुछ खरीदना ही नहीं है, सब कुछ होता है सब घरों में। इस तरह चप्पे करके, अच्छा जी हमारी सारी मंगोचियाँ तली गई हैं, ठीक है। अब हम इसको निकाल लेते हैं, इसके बाद हम इसका मसाला तैयार करते हैं। बच्चे तो ऐसे ही भाग भाग कर आते हैं और खाते हैं इनको पकौड़े समझ के ना, और पकौड़े हैं ही एक तरह से, ठीक है। चलिए अब हम इसका मसाला अच्छा जी अब हम इसका मसाला भूनेंगे, ठीक है। मैंने एक मीडियम साइज़ प्याज ली थी जो कि मैंने बारीक पीस ली है, और एक मीडियम साइज़ टमाटर लिया था वो भी मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया है। अब इस मसाले में जाएगा एक टीस्पून मैंने पिसी हुई मिर्च ली है, एक टीस्पून पिसा हुआ धनिया लिया है, और आधा टीस्पून से कम हल्दी ली है, एक टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, और थोड़ा सा ये मेथी दाना है, और आधा टीस्पून से कम पिसा हुआ गरम मसाला है। तो हम ये जो है ये सारे मसाले डालेंगे और इसका ग्रेवी तैयार करेंगे, ठीक है, मंगोचियों की, सही है। अच्छा जी अब हम इसमें डालेंगे मेथी दाना, ये कड़कड़ाएंगे, ठीक है। और फिर हम इसमें डालेंगे ये थोड़ा सा हो जाए मेथी दाना, इसमें डालेंगे मीडियम साइज प्याज जो मैंने पीसी थी बारीक बारीक, ये मैं डालूंगी, मीडियम साइज टमाटर पीसा था ये मैं डालूंगी, एक टीस्पून पिसी हल्दी ली थी वो सॉरी पिसी मिर्ची ली थी, एक टीस्पून पिसा हुआ धनिया लिया था, एक टीस्पून पिसा हुआ अदरक लहसुन लिया है, आधा टीस्पून से कम हल्दी ली है। गरम मसाला जो है वो बाद में जाएगा, पहले हम इसको भून लेंगे। बाज़ार में भी मिलती हैं बनी हुई, इसको हम बढ़िया कहते हैं, लेकिन वो मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं इस तरह से मंगोचियाँ बनाकर ताज़ी ताज़ी और फिर बनाती हूँ घर में। वो पता नहीं सोचती मैं कितनी पुरानी बनी होगी, इसलिए मेरा दिल नहीं चाहता उसको बनाने के लिए उसका सालन। तो ये है कि मैं घर में बनाई ताज़ी ताज़ी और खा ली। वैसे ये देखा है कि लेडीज ज़्यादा शौक से खाती हैं ऐसी चीज़ें। और ये पिसी प्याज है तो इसको मैं अच्छा भूनूंगी और थोड़ा सा पानी डालकर फिर छोड़ दूंगी इसको मैं, क्योंकि फिर दोबारा से भूनूंगी, क्योंकि कच्ची प्याज का ज़रा आता है ना जायका, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता मसाले में अगर कच्ची प्याज की खुशबू आती है। तो इसको अभी मैं भून कर और फिर मैं इसमें पानी डालूंगी, फिर मैं इसको पकाऊंगी खूब, फिर भूनूंगी दोबारा से। अच्छा भून जाए,
हर चीज़ बनानी चाहिए, बनाकर खानी चाहिए, और ख़ास तौर पर बच्चियों को बना के खिलानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पराए घर जाना होता है, किस किस किस्म के खाने उनको मिलेंगे ये नहीं पता, तो इसलिए सब चीज़ों की आदत डालनी चाहिए खिलाने की। अच्छा देखें ये भुनने पर आ गया, अब मैं इसमें पानी डालूंगी और फिर मैं दोबारा से इसको भूनूंगी। जब ये भुनने पर आएगा मैंने इसको दोबारा से भूनना है ताकि प्याज का कच्चापन दूर हो, क्योंकि कच्ची प्याज पीसी है हमने इसलिए। अच्छा जी ये देखें जो मैंने पानी डाला था वो भी खूब पक गया था इसमें और भुनने पर दोबारा से आ गया, ठीक है। अब हम इसको खूब अच्छा भून कर और इसमें पानी डालेंगे बहुत सारा, क्योंकि मंगोतियाँ जो हैं बहुत पानी पी जाती हैं, ठीक है। शोरबा हमने बहुत सारा डालना है क्योंकि ये जो है पानी इस कदर पी जाती हैं, फूलती तो हैं पानी की वजह से लेकिन बहुत ज़्यादा पता नहीं कहाँ चला जाता है, इतना सारा पानी ये पी जाती हैं। तो ये है कि आपने ऐसा करना है कि शोरबे में जब पक जाएं ये खूब अच्छा तो निकाल के अलग बॉल में निकाल के रख लें मंगोचियाँ, ठीक है। जब खाने का टाइम हो तो शोरबे में इसको मिक्स कर लें, इस तरह भी होता है कि जब आप ये पक जाए, मैं अभी डालकर इसको दम पे छोड़ूंगी शोरबे में, तो यह है कि उसको निकाल लें अलग कर लें मंगोचियाँ, वरना आपने अगर दोपहर में खाना खाया उसमें खाइए, अगर आपने शाम में खाना है तो गायब सारा सारा शोरबा, ये होता है इनका, कहाँ चला जाता है पानी पता नहीं, शोरबा कहाँ चला जाता है, ठीक है। अब मैं इसमें पानी डालती हूँ क्योंकि काफ़ी अच्छा भुन चुका है ये, और मैं देखें कितना पतला पानी बिल्कुल बना रही हूँ, और ये शोरबा जो है सब पी जाएंगी। अभी इसमें उबाल आएगा तो मैं फिर इसमें मंगोचियाँ डालूँगी। तो ये देखे मंगोचियों को शोरबा पक गया है, ठीक है। अब मैं इसमें ये मंगोचियाँ डाल दूँगी बिस्मिल्लाह, सही है, और ये हरा धनिया डालूँगी, और ये आधा टी स्पून से कम मैंने पिसा हुआ गरम मसाला लिया था ये डाल दूँगी, और अब मैंने इसको डालकर दम पे छोड़ देना है क्योंकि ये फूलेंगी ये और फिर काफ़ी ये पी जाएंगी, ये ज़्यादा देर नहीं छोड़ूंगी मैं इसको दम पर, और इसका शोरबा पतला ही रहता है मंगोचियों का, सही है। अब मैं इसको दम पे छोड़ देती हूँ। अच्छा जी ये देखें हमारी मंगोचियाँ तैयार हो चुकी हैं, और देखें कितनी फूल गई हैं, और ये मैंने अगर नहीं निकाल के इसको अलग रखी ना तो ये सारा शोरबा पी जाएंगी ये, देखें बहुत ही मज़ेदार बनी है और बनती हैं बहुत मज़ेदार, आपने ज़रूर बना के ट्राई करना है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है, लाइक ज़रूर करना है, कमेंट ज़रूर करना है। ओके अल्लाह हाफिज़।